सेवा में मग्न है, गोपियां जैसे कृष्ण की सेवा करती है, आनंद प्राप्त करती है, अगर वो ब्रह्म ज्योति में तो लीन हो जाओगे ना। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं तेसाम अवदत्त चेतसाम अवदत्त ही गति। कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरे को जो निराकार मान करके मेरे में लीन होना चाहते हैं उनका जो परिणाम है दुखदायी, पत्थर जैसे पड़े रहोगे, जैसे शराब पी कर ना सोते रहते हैं बेहोश होकर, कैसे यही कैसे ही पड़े रहोगे, कोई चेतनता नहीं रह जाएगी तुम्हारी। इसलिए खबरदार ये ज्ञान मार्ग में फंसना नहीं, यदि ये जो चलना और भक्ति मार्ग जो बहुत सरल मार्ग है। पार्टी में तीन काम होता है, हैं? बोले रोज रोज पार्टी करो, रोज कीर्तन गाओ, नाचो कूदो, खूब गाओ, ठाकुर का कीर्तन गाओ, नाचना है ना, ठाकुर का कीर्तन में नाचो, खाना है ना, बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, चकाचक भजन गाओ, यही करते करते तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। भक्ति मार्ग में कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, बोले ज्यादा ज्यादा खोदने की जरूरत नहीं, केवल थोड़ी सी मिट्टी हटाओगे ना ऐर वो माल के माल मिल जाएगा, फिर तुम चकाचक हो जाओगे। मतलब क्या है, इसलिए क्रिया कहती है ना, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गले गले राम नाम के रे मोके मैं भी तुरा गले गले ले लो रे कोई राम का प्यारा बताओ आपको अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, अच्छी लगती है। और कथा के बाद में कल क्या क्या मिला था, समोसा मिला था ना, और उसके बाद में पूरी मिली, सब्जी मिली, और फिर मैंने सुना क्या क्या पेप्सी लाए थे ना, क्या लाए थे कल, अमृत का जूस लाए थे पिलाए। हाँ देखो आपको ये लगता है जैसे हम तो कथा ही सुन रहे, कीर्तन तो कर रहे, नहीं ये बहुत बड़ा साधन है। साधन किसको कहते हैं, साधन उसको कहते हैं जब हमारी मान ठाकुर जी में लग जाए, इसको कहते साधन। हमको लगता है जैसे बैठे हुए कथा सुन रहे, नहीं ये बहुत बड़ी साधन है जो मन हमारी विषय से हट करके भगवान के चरण में लगा हुआ है, ये बहुत बड़ी साधन है। इसलिए कहते जो भक्ति का मार्ग है बड़ी सरल मार्ग है ना, बड़ी सरल मार्ग है। ऐसे जो भगवान है फिर उन्होंने प्रजदा जदा ही धर्म से भवन भारत अद्भुतान धर्म से तदात्मान सृजा। ऐसे जो भगवान 26 बार भगवान जगत में अवतरण है, भगवान का जो सबसे पहला अवतार ठाकुर जी चतुष्ण रूप में आए हैं, ये ब्रह्मा जी मानस पुत्र है। भगवान की 6 तरह का अवतार है, मन्नातर अवतार, सत्यावेश अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, पुरुषोत्तम, इनकी 6 तरह का अवतार भगवान की।
इसलिए पहला अवतार चतुसन रूप में ठाकुर जी आए, ब्रह्मादाचार्य मानस पुत्र सनक सनद सनातन और सनक कुमार। जब सृष्टि से पहले ठाकुर जी बोले, ब्रह्मा जी बोले, देखो भगवान का आदेश है ये संसार का क्रम को बढ़ाओ, धीरे धीरे संसार में। बोले पिताजी ये घर गृहस्थ बड़ा दुखमय है, हम तो ये संसार में बसना नहीं चाहते हैं, ये बड़ा दुख संसार है। इतने में बोले भगवान का निर्देश है संसार करो, अब तुम कर रहे हो संसार नहीं करेगा, हाँ संसार नहीं करेंगे। फिर तो उन्होंने अभिशाप दे दिया, बोले संसार नहीं करोगे ना, अभी जैसे बच्चा है ना चिंता के बारे, ये बच्चा ही मन करके रहो। बोले और भी आनंद आनंद है, क्योंकि जितने बोझ है किसको ऊपर में, बच्चे को ऊपर में, बड़े को ऊपर में, बच्चे तो खेलते कूदते आनंद में रहते, बोले बढ़िया हो गया। इसलिए ये सारा दिन क्या करते हैं, भगवान की कीर्तन भजन पूजा में दिन भर लगे रहते हैं। इसलिए उन्होंने शिक्षा दिया जीवन में हमें ब्रह्मचर्य पालन करनी चाहिए। हाँ मेरे तरफ में देखो चार आश्रम है, पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य। पहले सबके सब गुरुकुल में जा करके 25 साल तक लिखाई पढ़ाई करते थे, इसको बाद में फिर गुरु जी प्रश्न करते थे, बोले बेटा बताओ अभी क्या करो, क्या इच्छा है। जिसको ये ज्ञान हो जाता था, ये जीवन भगवान ने बारम्बार नहीं देते हैं, ये 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार मिला, और ये मानव शरीर नहीं ये मुक्ति की दरवाजा पर खड़े हुए थे, और इसी जीवन में भजन करके ठाकुर के पास में जा सकते हैं, और किसी जीवन में नहीं। विषय भोग तो हर जीवन में करता है, कौन सा जीवन में हम विषय भोग नहीं किए, बच्चों को जन्म नहीं दिए, पालन नहीं करे, बड़ा नहीं करे। अगर ये जीवन पा करके अगर ऐसे ही जीवन बीत गया फिर तो गया जीवन। इसलिए वो कहते थे गुरु जी आपकी चरण में रहते हुए आपकी सेवा करते हुए जीवन को बिताना चाहता हूँ, लेकिन जिन जिनको संसार की कामना वासना को जो कंट्रोल नहीं कर पाते थे, गुरु जी बोलते थे देख बेटा घर में जाओ लव मैरिज नहीं करना, अपना परिवार के अनुरूप जहाँ तुमको देख करके परिवार वाले से शादी देंगे, अपना वर्ण के अनुरूप वहीं पर शादी कर दो। लेकिन शादी करके क्या करना, दोनों पति पत्नी मिलकर के भजन करना। इसलिए आप अब तो संस्कृत नहीं जानते हो, देखना जब शादी होती है ना वो ब्राह्मण जो मंत्र पढ़ते हैं सालग्राम को शादी करके, क्यों पुरुष क्यों शादी करता है, बोले मैं ठाकुर का सेवा पूजा कौन करेगा, पुरुष लोग तो पहले बाहर जाते थे काम करने के लिए, माताएं घर में काम करती थी, बोला अगर पुरुष चला जाए तो घर का ठाकुर को सेवा कौन करेगा, ठाकुर जी के लिए खाना कौन बनाएगा, ये घर को साफ सुथरा कौन करेगा, कपड़ा साफ कौन करेगा, इसलिए पत्नी कहती है। इसलिए वो प्रतिज्ञा करते थे हम दोनों मिल करके ठाकुर जी हम तेरी सेवा करेंगे, बोले कितना साल तक, बोले 50 साल तक, उसको ऊपर लेंगे। इसलिए 50 साल के बाद आता है एकावन बावन चौवन, मतलब घर में नहीं वृंदावन जाओ भजन करो। इसलिए ये बन 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 शब्द आता है, हैं ये बन बन शब्द आता है। इसलिए 50 साल तक संसार करो, पैसा कमाओ, बच्चों को लालन पालन करो, उनको शादी शुदा करा दो। 50 साल हो गए ना बच्चों को शादी होगी, घर में मत रहो, नहीं तो बहू को साथ में तो लड़ाई शुरू हो जाएगी तुम्हारी, हाँ चाबी काटी नहीं दोगे घर घर में लड़ाई आसान थी। इसलिए आसान बनने से पहले वृंदावन में चले जाओ और पति पत्नी बाद प्रश्न लेकर भजन करो, हैं, और उसको बाद में करे संन्यास, उसको बाद में संन्यास ये। इसलिए देखो मेरे तरफ में ये चार आश्रम, पहला ये ब्रह्मचर्य आश्रम, उसको बाद में गृहस्थ पान प्रस्थ संन्यास, ये ऐसे ही आश्रम है। अगर जो व्यक्ति ये ब्रह्मचर्य पालन करके अगर ये संसार में प्रवेश नहीं किया ना, यहाँ देखो मेरे तरफ में यहाँ से वो सीधा छलांग लगाएगा यहाँ तक, बोले संन्यास ग्रहण करते हुए अपना जीवन को मुक्ति की मार्ग में ले जाएगा। लेकिन संसार में जो फंस जाएगा फिर तो 25 और 25 50 जीवन उसको बर्बाद हो जाएगा। इसलिए चतुसन ने बोले शिक्षा दिया दुनिया को ब्रह्मचर्य पालन करते हुए भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। अगर संसार घर गृहस्थ किया तो क्या करो, मिलकर के भजन करो, मिलकर के पति पत्नी दोनों मिलकर के ठाकुर जी की
भक्ति करो। एक बार हाथ उठा कर बोलो बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 जब भगवान मनु महाराज को बोले ब्रह्मा जी सृष्टि की क्रम बढ़ाओ, बोले सृष्टि है ही नहीं, सृष्टि तो रसातल में चली गई। बोले रसातल में कौन ले गया? बोले हिरण्याक्ष। बोले हिरण्याक्ष हुआ कैसे? देखो बोले शाम का समय में चार काम मत करो, मना किया है। कितना काम नहीं करनी चाहिए? बोले चार काम शाम को कभी मत किया करो। बोले पहला नंबर बोले पढ़ना नहीं, ठीक शाम में पढ़ना नहीं। इसलिए कोई कोई व्यक्ति बोलते हैं ना बेटा तो घर में पढ़ता है लेकिन जब पेपर देने के लिए तो भूल जाता है, वहाँ फेल होकर के आ जाता है। इसलिए कहते हैं शाम का समय में जो पढ़ेगा वो याद नहीं रहेगा। दूसरी काम सोना नहीं कभी, जो शाम का समय पर सोएगा वो दरिद्र था, उसको घर में माल लगनी कभी नहीं आई है। इसलिए नियम है शाम का समय पर क्या करो। इसलिए हमारे देश का यही नियम, भगवान की पूजा पाठ भगवान की भक्ति पहले यही करते थे, ठाकुर जी की आरती उतारो ठाकुर जी की भजन करो। और जो तीसरा काम है भोजन मत करो। अगर जो शाम का समय में भोजन करेगा उसका पेट का बीमारी होगी। और जो चौथा जो काम है पति पत्नी कभी नहीं मिलनी चाहिए, फिर आखिर से बच्चा तुमसे जन्म लेगा। इसलिए कश्यप ऋषि की दो पत्नी थी तिथि और अदिति। एक दिन दीदी ने बड़ी सुंदर उसने श्रृंगार करके शीशा को सामने खड़ी की, शीशा को सामने अपना रूप जब उसने श्रृंगार की वो देखने में बड़ी सुंदर थी। अभी अपना सुंदरता को देख करके उसने एकदम काम में विभोर हो गई और पति कश्यप जी के पास में गया। लेकिन कश्यप जी ने कहा देखो दीदी ये समय अच्छे समय में मिलना नहीं। लेकिन उसने जोर जबरदस्ती मिली। उसके बाद में कश्यप ने कहा तूने अच्छा काम किया, तेरे गर्भ में राक्षस जन्म होने वाला। इसलिए शास्त्र ने बताया जब माताएं गर्भधारण करें समय देख करके अच्छा। अब देखना कोई कोई बच्चा होता है, आप देखना संसार में खूब पिता माता की आज्ञा पालन करते हैं, लेकिन कोई कोई बेटा ऐसे होता है एकदम बात ही नहीं सुनते, एकदम पिता माता की बात को निगलेक्ट करते थे, एकदम बात नहीं सुनते हैं। बोले ऐसे क्यों? बोले ये माताओं के ऊपर निर्भर करती है। अगर अच्छे समय में जब गर्भधारण करो ना वो बच्चा बड़ी अच्छे संतान होते हैं। अब गर्भ में बच्चे रहते समय माताएं डिस्को डांस उल्टा पुल्टा फिल्म मत देखा करो, नहीं तो उसके ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। आप लोग सुने होंगे रामायण सुने होंगे, जब लव कुश पेट में थे भगवान राम ने साधुओं को बुलाया। बोले सीते तेरे को पता है आज मैंने ये साधुओं को क्यों बुलाया? बोले क्यों? बोले तेरे गर्भ में बच्चा है, अगर इसी समय तू सत्संग सुनोगे बच्चे बड़े संस्कारी बनेंगे और पिता माता की बड़ी सेवा करेंगे बड़े बलवान बनेंगे, तभी ये लव कुश जन्म हो गए। ले लव कुश तभी जन्म हो गए। प्रहलाद को जब बच्चों ने पूछा बताओ तेरे को इतने ज्ञान कहाँ से मिली, हमारे गुरु तो संढावर का, तुम जो बात हमें बता रहे हो ज्ञान की बात बताते हो, हमने तो ये संढावर से कभी सुने ही नहीं। बोले मेरे गुरु जी संढावर के नहीं, मेरे गुरु जी नारद जी। जब मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए गए उसी समय में इंद्र आक्रमण किया और मेरे पिता मेरी माँ को पकड़ कर ले जा रहा था, इतने में नारद जी आ गए। बोले क्या कर रहे हो? बोले गुरु जी मेरे मन में कोई बुरी भावना नहीं, उसका एक पिता दुनिया में टहल का बचा दिया हिरण्यकश्यप, अभी उसकी पत्नी के गर्भ में भी एक बच्चा है, अगर ये बच्चा जन्म हो जाए ना, अगर पिता माता दोनों मिल जाए ढेर तो हमको सब खदेड़ देंगे स्वर्ग से। इसलिए मैं इसको इसलिए ले जा रहा हूँ कि जब बच्चा जन्म देखा देगा ये बच्चे को मार कर उसकी पत्नी को मैं वापस दे जाऊंगा। बोले
जानते हो इसके घर घर में कौन है? बोले कौन है? बोले भगवान की सबसे बड़े भक्त श्री प्रह्लाद महाराज। उसने तो बाल भी कोई बंका नहीं कर सकते हैं। तब श्री नारद जी उसको साथ में लेकर गए। उनको 60,000 साल तक हिरण्यकश्यप ने तपस्या की और नारद जी उनको कथा सुनाते रहे और वो गर्भ में बैठी बैठी करके सारी कथा सुनते रहा। गर्भ में बैठी बैठी कर कथा सुनते रहा। तभी वो इतने बड़े साधु बना, प्रह्लाद बने। खंभे से जो ठाकुर को जो प्रकट कर दिया। देखो जो माताएं गर्भ में बच्चे रहते हुए, देखो जिस भक्त घर में बच्चा आता है ना, बड़े पुण्या है। जिसकी माँ भगवान की सेवा पूजा भक्ति करती है, वो जो बच्चा जो जन्म देता बड़े पुण्यात्मा। जैसे देखो, जैसे माँ जैसे तुलसी की परिक्रमा करती है, उसका पेट में जो बच्चा है ना, वो क्या करती, उसका भी तुलसी परिक्रमा होगी। जैसे आप माँ कथा सुनती हैं, पेट में बच्चा है, बच्चा भी बैठे बैठे कथा सुनता है। माँ जैसे ठाकुर का दर्शन करती है, पेट में बच्चा भी दर्शन करता है, ठाकुर जी का दर्शन। जैसे मैया ठाकुर जी का आरती उतारती है, पेट में बच्चा भी ठाकुर जी का आरती उतारता है। नहीं, जैसे माँ प्रसाद खाती है भगवान को भोग लगा कर, वो बच्चे क्या खाते हैं, वो भी ठाकुर जी की प्रसाद खाता है। इसलिए किसी भक्त के घर में जो बच्चा जन्म लेता है ना, वो करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य से बच्चा कहीं भक्त घर में जन्म लेता है, साधारण बात नहीं। इसलिए कहते संध्या का समय में चार काम नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये हिरण्याक्ष ने ये पृथ्वी को रसातल में उसने ले गया। इतने में ब्रह्मा जी छींके, उनको नासिका से एक बच्चा जैसे एक प्राणी जन्म लिया और वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते उसने विशाल रूप धारण किया। वो कौन बने? श्री वराह भगवान। फिर उन्होंने पांव में छलांग लगाए, फिर उन्होंने पृथ्वी को उठा करके अपना धुरी पर ठाकुर जी स्थापन किए। फिर श्री मनु महाराज ने ये सृष्टि का क्रम को धीरे 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 ये सृष्टि का क्रम बढ़ाए। इसलिए भगवान का जो दूसरा अवतार श्री वराह भगवान, बोले उनका तीसरा अवतार कौन? बोले श्री नारद जी। अब जानते हो नारद जी, ये भगवान की सबसे बड़ी भक्त श्री नारद जी हैं। इसलिए नारद जी का संग अगर किसको मिल गया ना, बस सो कल्याण ही कल्याण है, इसकी कल्याण ही कल्याण है। ध्रुव प्रह्लाद 5 साल उम्र के बच्चे थे, लेकिन ये नारद जी की इतने कृपा। कहना जनमा मौनी जत न कराई, हरे कृष्ण।
जिन्होंने 5 साल उम्र में भगवान को दर्शन कर ली, कहते दो वृद्ध हुए, बोले कौन कौन, बोले एक हुए श्री वाल्मीकि, पहले जो दशरथ ना करते। लेकिन नारद जी की ऐसे कृपा है, वो तो डाकू थे, नारद जी को पकड़ लिए, बोले बाबा निकालो क्या माल मांग तेरे पास में, बोले भैया हम तो संत हैं, हमारा पास तो लोटे सोटे और लंगोटे ये 3 चीज और 14 चीजें हैं, बोले जो कुछ और निकालो। नारद जी ने पूछा ये बताओ तू ये जो पाप कर्म करके पैसा कमा रहे हो ये पाप को कौन लेगा, बोले मेरे बीवी मेरे बच्चे मेरे परिवार पिता माता। बोले देखो ये दुनिया बड़े स्वार्थ का दुनिया है। बोले कि आप कैसे हो, बोले जब तक जेब में पैसे हो और पैसा खत्म, बोले आप नहीं बोले तुम कौन हो, जाकर पूछ करेगा, तू जो बोलते हो ये पाप लेके पूछ करेगा। पत्नी से पूछा कि जो पाप कर्म करके पैसा कमाता हूँ तू लोगी कि नहीं, बोले क्यों घर का काम मेरी बाहर का काम तेरा, मेरे को कुछ बता नहीं। पूछे पिता माता को, बोले तेरे को हमने जन्म दिया, लिखाया पढ़ाया बड़ा किया तेरे को, अभी हमने कैसे पैसा कमाया ये हमें बता, तू कैसे कर रहे हो हमें बता नहीं। अब पूछे बच्चे को, बोले आपका कर्तव्य है आपको लिखा हमें लिखा बड़ा बना करके बड़ा बनाना है, बड़े बन करके हम पैसे पैसा कमाएंगे फिर हम सोचेंगे हम आपका पाप नहीं लेंगे। बोले बाबा तो सही बता रहा ये थोड़े स्वार्थ का दुनिया है, फिर उसको ज्ञान आया। बोले बाबा बताओ अभी मैं क्या करूँ, मैं तो सोच रहा था ये सबके सब अपना है, ये मेरे सबके सब ये अपना है, हम देख रहा हूँ कोई भी अपना नहीं, ये तो सब स्वार्थ में लगे पड़े हैं सबके सब है, ये सबके सब स्वार्थ में लगे पड़े हैं, अभी बताओ हमारा कल्याण कैसे रहेगा। बोले देखो
बोले देखो बोलो ठाकुर का नाम लो, बोले राम बोलो, लेकिन इतना बड़ा पापी मुंह से राम ही नहीं निकला। अब देखना ना कुछ ऐसे लोग होते ही बोलो थोड़ा प्रभु का भजन करो नाम जप करो, बोले नहीं मुंह से भगवान का, बोले दिन भर बेटा बहू की बात करो इतना दिन भर बैठी करके उसकी बहू ऐसे करती उसकी बेटी ऐसे गिरी हो गई सारा दुनिया की बात वो बनाते रहे, लेकिन बोला थोड़ा ठाकुर का नाम लो तो भगवान के नाम नहीं निकलेगा, उसको मुंह से ठाकुर के नाम ही नहीं निकला। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले तू मरा मरा तो बोल सकते, बोला हाँ इतना तो बोल सकता हूँ, इसलिए आप लोग सबके सब बोलो मरा मरा, जोर से बोलो, जोर से बोलो ना, अरे बोलते ना हो देखना ये मरा बोलते ना अपने आप राम राम हो जाती है, जैसे मरा मरा अपने आप राम राम हो जाती है, इसलिए बोले उल्टा नाम जपत जगह जाना और पाल लिखी है ब्रह्म समाना और उन्हें रामायण लिखी थी, और दूसरा जो चला हुआ श्री वाल्मीकि, दूसरा चला हुआ श्री व्यास देव जिन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचना की, इनकी ऐसे दो चले हुए और ऐसे दो चले ऐसे दो ग्रंथ लिखे ना जो हमारे लिए बड़ा पूज्य ग्रंथ है जिसको सुनकर हमारा कल्याण हो रहा है। इसलिए भगवान की जो चौथा अवतार है श्री नर नारायण ऋषि, बोले श्री नर नारायण रूप में ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं, बोले कहाँ तपस्या कर रहे हैं, बोले बद्री का आश्रम पर, बद्रीनाथ को देख गए हो, बद्रीनाथ कौन कौन गए, 1 2 3 4 5 कौन जाना चाहते हो बता, सबके सब जाना आपको सबको हम ले चले, ठीक है। देखो ये जो बद्रीनाथ है ना कि भगवान स्वयं बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं, बोले तपस्या क्यों कर रहे हैं, बोले उनको पता है ये कलयुग का जीव तपस्या नहीं कर सकते, इनका इतना शक्ति है ही नहीं जो बैठ करके तपस्या करे है। देखना पहले पहले लोग एक एक जगह पर बैठ करके 10-10 हजार साल बिना खाए पिए 50-60 हजार साल, अभी देखो माता हमको बोले नीचे बैठू 2-3 घंटा भी बैठ नहीं सकते, कोई दीवार में सहारा देखते बैठे, कोई चेयर के बैठे, और जो बैठे कोई चेयर को लंबा करके बैठे, मतलब कलयुग में ना इतने असमर्थ जीव है वो नहीं कर सकता है, ठाकुर जी को पता था, इसलिए ठाकुर जी बोले भैया तेरे लिए मैं ही तपस्या करता हूँ, अगर कोई कष्ट करके केवल एक बार बद्रीनाथ में आए और केवल मुझे दर्शन कर लो, मेरे को दर्शन मात्र से ही मैं जो भजन कर रहा हूँ इसका फल तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप प्राप्त हो जाएगी, इतने महिमा बद्रीनाथ को दर्शन करना बड़ी पुण्य है, बड़ी पुण्य है। लेकिन देखो अभी वो बद्रीनाथ चार धाम है ना, हमारे भारतीय संस्कृति में ये रिवाज था अगर जीवन में कोई चार धाम दर्शन कर लेना उसको जन्म मृत्यु का चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए हमारे भारत में जो बड़े बूढ़े होते थे आप देखे होंगे जब जाते थे वो बोल करके जाते थे हमारे नाम पर तुम श्राद्ध कर देना, पता नहीं हम वापस आएंगे कि नहीं, क्योंकि रास्ता इतना भयंकर रास्ता था, इतने आसान कोई गाड़ी घोड़ा नहीं जाता था, पैदल में भी जाते थे पेड़ को पकड़ पकड़ कर किसी तरह से जा करके दर्शन करते थे, एक धाम दर्शन कर लो ना, क्योंकि प्रभु को याद करते 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 जाते थे, ठाकुर को दर्शन मिलना ठाकुर को दर्शन करना हाँ। लेकिन अभी ऐसे हो गया अभी रास्ता बन गया, 10 दिन में अगर आप जाओगे ये चार धाम को दर्शन करके आ जाओ एकदम आराम से, और गाड़ी में बैठे करके अब बढ़िया खाना पीना खा करके, और उधर का जो सीन सिनेरियो जो लोग गए देखे होंगे बड़ा सुंदर झरना बह रही है, अलका नदी नीचे बह रही है, सुंदर सिनेरियो आकाश जैसे छो रहा है बड़ा सुंदर, अभी तो पिकनिक बन गया अभी उधर हाँ, घूमने के लिए सबके सब चार धाम जाते हैं। लेकिन एक समय कथा सुनो, बोले कृष्ण जब जन्म नहीं हुए थे नंद जसोदा ने ठाकुर को पास में मनोज रखा था, बोले हे केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री अगर मेरे घर में एक बालक की जन्म हो जाए हम चार धाम जाए। अभी कृष्ण जब जन्म हुए नंद भगवान ने सोचा हमने तो मनोज रखा था हमें जानी चाहिए, अभी सारे ब्रजवासी अभी धाम को जाने के लिए अभी तैयारी हुई, अभी कृष्ण सोच रहे हैं देखो ये ब्रजवासी कितने भोले वाले ये चार धाम दर्शन करने जा रहे हैं, इनको पता नहीं ये चार धाम है क्या चीज,
बोले शंकर जी ये केदारनाथ, शंकर जी कौन है? बोले वैष्णवा नाम जथा सम्भो, भगवान की सबसे जो प्यारे भक्त श्री भोले बाबा। बोले ये गंगा कौन है? बोले ठाकुर जी की चरण से ये गंगा निकली। बोले ये यमुनोत्री क्या है? बोले कृष्ण का पटरानी, यमुना कृष्ण का पटरानी। बोले ये बद्रीनाथ कौन है? बोले बद्रीनाथ भगवान की अंश के अंश के अंश से नारायण। लेकिन मैं कौन हूँ? बोले सर्व कारण का जो मूल कारण है भगवान, ये कृष्ण चंद्र है। इसलिए कहते हैं कहते हैं वहां पर किरत सुता के पग पग के प्रयाग जा। बोले केशव के केली कुंड को तीन कोटि काशी है। बोले गोपिनी के द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। बोले स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं है क्या हम श्री वृंदावन वासी है। इसलिए जो व्यक्ति श्री वृंदावन धाम में बैठ जाते हैं ना, जो व्यक्ति 84 क्रोश की परिक्रमा कर ले, बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग, प्रयाग गए हो? ये प्रयाग कितने महिमा क्यों? बोले यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों नदी यहाँ पर मिली। बोले ये तीनों नदी कहाँ पर है? बोले किरत सुता के पग पग में, जहाँ पर श्री राधा रानी जहाँ एक पग आगे बढ़ती है, कहते हैं कि चरण में ही ये प्रयाग है। बोले केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है, काशी गए हो? कहते हैं कहाँ पर? बोले भगवान कृष्ण की जो कुंज है वृंदावन में, बोले एक काशी नहीं जहाँ करोड़ों करोड़ों काशी है। एक समय कोई एक भक्त था, वो जाना चाहता था काशी, वो चाहता था काशी जाऊं, मेरे मन में बड़ी अभिलाष है। लेकिन वो रहता था श्री जगन्नाथपुरी में, रोज जगन्नाथ जी को दर्शन करता था, कृष्ण ही जगन्नाथ है। अभी जगन्नाथ जी ने देखा, देखो ये जो मेरे को साक्षात दर्शन करता है उसको पता नहीं मैं कौन हूँ, लेकिन ये चाह रहा है काशी जाना। इतने में वो व्यक्ति जब सवेरे आया जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, जगन्नाथपुरी कोई गए हो? कौन कौन जगन्नाथपुरी है देखना, जब पाई से वहाँ पहाच है, पहाच मतलब सीढ़ी है, जब पाई से सीढ़ी को पार करोगे फिर जगन्नाथ जी को दर्शन मिलोगे। देखा ये पाई से सीढ़ी से नीचे एक व्यक्ति बैठ करके कठोर तपस्या कर रहा है। उसने सबर जाकर के पूछा आप कौन हो? बोले मैं स्वयं काशी विश्वनाथ हूँ। काशी विश्वनाथ? बोले यहाँ क्या कर रहे हो? बोले प्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, कब जगन्नाथ जी की कृपा हो प्रभु का दर्शन भी। बोले भैया मैं स्वयं काशी जाना चाहता हूँ, वो काशी विश्वनाथ तो स्वयं यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए। इसलिए कहते जहाँ राधा रानी की केली कुंज है वो कोटि कोटि काशी है। बोले गोपिनी के द्वार पे बसत है हरिद्वार है, कहते गोपिनी के द्वार में कौन बैठता है? बोले हरिद्वार है। बोले बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। इसलिए स्वर्ग अपवर्ग हम ले करे करेंगे क्या, जानते नहीं है क्या हम श्री वृंदावन वासी है। बोले श्री राधा रानी की। इसलिए जो व्यक्ति अभी कृष्ण ने देखा ये कहाँ चार धाम दर्शन के लिए जाएगी, बोले पिताजी ये ब्रज में तो चार धाम है। बोले कहाँ पर? बोले चलो मेरे लिए आपने बोला था ना बेटा घर में होगा हम चार धाम करने जाएंगे, बेटे का कर्तव्य है पिता माता को चार धाम दर्शन कराएंगे, हमारी संस्कृति है नियम है, बेटा का कर्तव्य है पिता माता जब बड़े बूढ़े हो जाए उनको चार धाम को दर्शन करिए, हमारी संस्कृति है। कृष्ण बोले चलो मेरे साथ में चलो, मैं आपको एक दिन में ही आपको ये चार धाम दर्शन करा के लाऊंगा। कृष्ण स्वयं लेकर गए ब्रजवासियों को और उनको काम्य वर्ग में चार धाम दर्शन कराएगा। अगर आपकी इच्छा होएगा ना हम चार धाम करना चाहते हैं, आपको एक दिन में अगर सवेरे से यहाँ निकलोगे ना फिर शाम तक दर्शन करके यहाँ वापस आ जाओगे। ये ब्रज में कृष्ण जी को ब्रजवासियों को जो चार धाम दर्शन कराएगा, चलोगे चार धाम? कौन जाएगा बताओ? हाँ तो कौन जाएगा? ठीक है यहाँ से सबको हम ले चलेंगे। ठीक है
बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। ऐसे ही भगवान की ये 26 अवतार ठाकुर जी की, लेकिन जब अवतारों का नाम गिना रहे थे बोले ये जो कृष्ण है ना ये भी एक अवतार है। अभी सुतो गोस्वामी इसको बोल करके तो डर गए, बोले मैं तो गड़बड़ी कर दिया, बोल दिया कृष्ण भी एक अवतार है लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है। बोले फिर कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण अवतार है। अवतार मतलब जिनसे ये सारे अवतार आते हैं, ये कृष्ण मूल पुरुष है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विक्रम अनादि विराजि गोविंद सर्व कारण कारण। कौन है? बोले कृष्ण कौन है? बोले जितने सारे देवा देवियों का यहाँ तक उसका इको कप्तर, जितने सारे अवतारों का मूल कौन है? बोले भगवान कृष्ण है। भैया देखते हैं यहाँ पर बैठा हुआ छोटा सा, बोले बड़ा छोटा सा ये है, ये साधारण नहीं कृष्ण, ये कृष्ण साधारण नहीं। देखो एक कथा सुनो। एक समय ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए द्वारका में पहुंचे, वहां पर दलवान था। जब ब्रह्मा जी वहां पर पहुंचे बोले मैं प्रभु को पूछ करके आता हूँ। बोले प्रभु जी कोई अगर ब्रह्मा आए आपको दर्शन करना चाहता है। कृष्ण ने बोले उसको पूछ करके आप कौन सा ब्रह्मा है? जब उसने ब्रह्मा जी को पूछा, ब्रह्मा तो प्यार से सर तक एकदम आग बबला हो गया। ब्रह्मा जी बोले बोले कोई 10 बीच ब्रह्मा होते हैं क्या? कौन सा ब्रह्मा प्रभु ऐसे क्यों पूछे? ब्रह्मा सोचते थे आदमी अकेला ही ब्रह्मा, और कोई ब्रह्मा नहीं। उसने प्रभु को जा करके बोले प्रभु प्रभु मैं तो पूछते ही तो बड़ा क्रोधित हो गई। बोले कोई 10-20 ब्रह्मा होते हैं? प्रभु को बोल रहा ना सनक पिता ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा जी। भगवान समझ गए इसका मतलब अभिमान है, इसको पता नहीं कितने ब्रह्मा है। बोले उसको बुला करके लाओ। और ब्रह्मा जी जाकर के ठाकुर का चरण में प्रणाम किया और भगवान को प्रश्न करना चाह रहे थे, बोले प्रभु कितने ब्रह्मा हैं? भगवान ने कहा थोड़ी सी वहां बैठ जाओ, मैं थोड़ा मंत्र जप कर लेता हूँ। ठाकुर जी आंख बंद करके एक ब्रह्मा को स्मरण किया, देखा 8 सर वाले कोई ब्रह्मा आ गया। ठाकुर जी के चरण में प्रणाम किया, जब प्रणाम कर रहे थे 8 सर में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, जान करके आवाज हो रहा था। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी कैसे हो? बोले प्रभु हम अहोभाग्य है, बड़े दिनों में आप हमें स्मरण किया, आपका कृपा से सब काम सही चल रहा है। फिर देखा 16 सिर वाले के ब्रह्मा जी आ गए, देखा 32 सर वाले ब्रह्मा जी आ गए, देखा 64 सर वाले ब्रह्मा जी, 10 सर वाले शंकर जी, 20 सर वाले शंकर जी, फिर 40 सर वाले ऐसे अद्भुत खरबुद सर वाले, और प्रभु की चरण में प्रणाम कर रहे थे। अब प्रभु पूछ रहे थे सब कुशल मंगल है ना? बोले आपका आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। कदी ये ब्रह्मा, लेकिन ये ब्रह्मा सबको देख रहा था, लेकिन वो ब्रह्मा इनको कोई नहीं देख रहे थे। इनका स्थिति कैसे? जैसे हाथी को बीच में मच्छर है। फिर तो ब्रह्मा जी को याद आया, अरे मैं तो साधारण समझ रहा था, मैं सबसे बड़ा हूँ, देखा मैं सबसे छोटा हूँ, और इससे अनंत कर्म विश्व ब्रह्मांड है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिसु अशेष वसुधाति विविधवर्णम। कहते जिनकी एक एक लोक रूप में एक ब्रह्मांड नहीं अनंत करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान, ऐसे कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जगा जगा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस दुनिया में गो ब्राह्मण स्त्री पृथ्वी के ऊपर में अत्याचार होती है, तब तक मैं अवतीर्ण होकर के भक्तों को रक्षा करता हूँ और दुष्टों को मैं संहार करता हूँ। फिर ब्रह्मा जी बोले प्रभु मेरे अपराध माफ कर दो। इसलिए जो कृष्ण है ना ये सबका जो मूल कारण का कारण कौन है? ये भगवान कृष्ण है। जब हम भगवान कृष्ण को भक्ति कर देते हैं ये 33 करोड़ देवालय का पूजा